अंगली ट्रेन आ गई भाई साहब फिलहाल। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबका सही जा रहा होगा। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो आज हम बहुत टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं गया था बाहर इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। आज आया, शूट करेंगे आज, देखेंगे। तो आज बहुत टाइम के बाद फोटो शूट करने वाले हैं, ठीक है। तो व्लॉग भी आज बहुत टाइम के बाद आ रहा है, अब से डेली व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम कर रहे हैं, आज जो हमारे साथ है वो है करामत भाई। मैं हूँ करामत भाई, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आना है करा। और है रिजा, तो उधर आके भाई भी आ रहा है। चलो ठीक है, निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, लेट्स गो। जहाँ पे आज हमें फोटो शूट करने जाना है वो जाना है। आज कहाँ जाना है हमें? आज हम जाए बड़गाम स्टेशन, बड़गाम रेलवे स्टेशन, वही पे फोटो शूट करेंगे इंशाल्लाह। तो गाड़ी जो है गाड़ी हम रखेंगे माजुमा में ही, फिर वहाँ से ट्रेन जाएंगे। मेरा आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन का। तो आदिल भाई आप कभी चढ़े हो ट्रेन में? कभी नहीं। करामत नहीं, मैं भी नहीं कभी, आज फर्स्ट टाइम है मेरा ट्रेन में। चलो ठीक है, तो निकलते हैं बिना देरी किए। करेंगे हम टायर का एयर चेक, तो इसको कम ही लग रहा है, ठीक है, हेड से भी हवा कम है इसको। तो पहले तक तो एयर भी भर लिया हमने टायर, इसको अब हम डालते हैं पहले पेट्रोल। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों से बस आने वाला? आज मैं घर नहीं वापस आ ये तो ड्राइवर चार्ज है। पहले हम इधर पे डालेंगे पेट्रोल। हमें लगेगा तकरीबन 10 मिनट लगाना है, 10 से 5 या 10 मिनट लगेंगे माजुमा तक। तो आज आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे माजुमा का रेलवे स्टेशन भी, बड़गाम का रेलवे स्टेशन भी। तो ब्लॉग में यहाँ से लगेंगे, तो मिलते हैं। फाइनली ये रहा स्टेशन और हम पहुँचने वाले हैं 2 मिनट में। करामत भाई पहला एक्सपीरियंस क्या? बहुत ही एक्साइटेड। Finally, we have reached. ये रहा माजुमा का स्टेशन। अभी टाइम है ट्रेन आने में, तो फिलहाल हम वेट करेंगे, मजे करेंगे और फिलहाल तो बैठेंगे। फिलहाल गाड़ी हमने पार्क रखी, तो फिलहाल रिजा करामत और आके भाई गए ट्रेन का टाइम पता करने। तो यहाँ पे आज लिख रहा है नंबर गाड़ी पे, क्योंकि अगर किसी ने पीछे गाड़ी लगा दी तो दिक्कत हो जाए। तो चार ट्रेन गई है, मतलब 8 बजे से यहाँ 8 बजे भी ट्रेन थी, 9 बजे भी ट्रेन थी, 10 बजे भी थी और 11 बजे चार ट्रेन गए। हम 24 मिनट लेट पहुंचे, हम 11:24 पे पहुंचे इधर, लेकिन 11 पे ट्रेन थी। छोड़ो, अब हम जा रहे हैं बड़गामी गाड़ी में ही, तो वही पे आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलो निकलते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ से हमें दिखा रहा है 50 मिनट्स, अब गूगल में 50 मिनट्स दिखा रहा है रेलवे बड़गाम रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सीधे, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये रास्ता हमें पता ही नहीं है ये वाला, तो फिलहाल हम गूगल मैप के थ्रू ही चल रहे हैं। गूगल मैप पे भी ले सकता है हमें, गूगल मैप है खूब करते जूमते बात नहीं थी मालूम की मुस्ता पे भरोसा नहीं है। तो रोड देख लो भाई साहब, रोड वाह, 21st सेंचुरी में अभी। फाइनली हम पहुंच गए हैं बड़गाम रेलवे पे। तो पहले करते हैं गाड़ी पार्क, भरियो गाड़ी का बैठा गाड़ी के था गाड़ी वहां से हमें ठीक है जन छवाना। तो गाड़ी पहले पार्क करेंगे, अच्छा ऐसे यहां पर खलो पे पार साथ भी नहीं है, अच्छा हम सर आए फोन पैसे नहीं लेते, ठीक है कार पार्किंग है यहां पर आए कार पार्किंग। ट्रेन भाई साहब, और तो हमारे ट्रेन की टाइम 2 बजे है, तो 2 बजे हम जाएंगे अब। तो करते हैं 2 बजे तक वेट, तब तक खाते हैं कुछ, तो तब तक क्या मोदी का स्पेशल किया, तब तक खाते हैं कुछ, भूख काफ़ी ज़्यादा लग गया अभी। बंदे देखो आ गए। तो जो हमारे
किस्मत है ना वो खराब है बचपन से ही, क्योंकि बचपन में ही हमारा किस्मत खराब है जब हम पैदा हुए, बचपन पर ही शायद किस्मत खराब। ट्रेन आ रही है, देखो ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है फिलहाल, धीरे चल रही है क्योंकि स्टेशन इधर रही है। ट्रेन तो ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे इस पे, ये जो ऊपर है ना यहाँ से थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे और मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। अब हमारा जो प्लान बन गया, हम बन गया प्लान यहाँ से जो हम जाएंगे अब बारामूला के 2 बजे, तो फिलहाल 2 बजे तक कुछ खाएंगे, घूमेंगे, थोड़े फोटोज बिठवाएंगे। क्यों आदिल भाई, ठीक है? तो बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग बन रहा है, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको पहले अपडेट आए। थैंक यू। डब्बा है जो कि फुल डैमेज है, सस्ता फोटो शूट चल रहा है, सस्ता तो फिलहाल करामत भाई है इधर ट्रेन पे, हो देखो ट्रेन का व्यू कुछ, तो कैमरामैन देखो, कैमरामैन चाना बाप। तो हम फोटो शूट वाकई चौधरी करेंगे बारामूला में, अब बारामूला तो अभी जो सीन है कुछ यूँ है, फिलहाल जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो वहाँ से आके मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है यार? डायरेक्ट दुकान पे लेंगे आज भाई, हाँ डायरेक्ट दुकान पे भूख है, मैं मतलब हमारी चाय बन रही है इधर पे, टिकट ट्रेन व्यू, ये वाली ट्रेन जो है ये जाएगी बनिहाल, तो हमें पहले इस ब्रिज को पार करना है, तो दूसरी ट्रेन जो है इस साइड से वो है बारामूला की, तो हमें बारामूला जाना है। करामत, कितना एक्साइटेड हो भाई? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमें बारामूला जाना है। बारामूला से पूरा रील से बनाओ, रील एड बनाना है रोज रोज, क्या शुरू देते हैं चला ना लोगों को देता हूं आदिल, सच लोगों को तो पहले आदिल भाई को मैं रील लेके बोलूंगा, आओ चलता नहीं मड़ा। इधर पे तो फिलहाल हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट, तो टिकट्स भी हो गए, मैं दिखाता हूँ अभी सर्दी का मौसम है, तो ये है मेरी टिकट करामत और आदिल की, तो बाकी 3 बंदे उधर है उनकी टिकट उनके पास ही है, तो फिलहाल हम बैठे हैं वेट करते हैं बारामूला की ट्रेन का, पता नहीं उसको आने में लगेंगे तकरीबन 5-8 मिनट, उनने बोला 8 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो करामत भाई यहाँ पे, करामत क्या कर रहा है? चलो सही है, ट्रेन आ गई भाई साहब, फिलहाल खस कर मत भाई जाओगे तो चलिए, लोकल ट्रेन में सफर मजे ही मजे, अलग ही वाइब आ रही है अभी बैठने में, देखो ट्रेन निकल पड़ी एरोप्लेन, ये देखो मजे आ रहा है, अंदर से कुछ भी हो फैंस भी लगा के हैं, जैसे किसी एसी हाउस में लगे कि तो अभी हम रुके थे माजुमा स्टेशन पे, ये 2 मीटर की थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन एक है इसका, ठीक है? तो अभी हमें बारामूला तक काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 20-30 मिनट लगेंगे बारामूला तक, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मतलब डोर पे बैठने को, तो आदिल भाई देखो कहाँ पे बैठे हैं, क्यों कर आदिल भाई वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कितना मज़ा सुख जाएगी, बहुत ही मज़ा आए बहुत ही ज़्यादा मज़ा, मतलब मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार जो बैठा हूँ ना वो एक्साइट तो होते ही है, मस्ती देखो कितना कर रहा है आज, ये ना फोन कर सकने हो रहा, तो गाड़ी जो है ना गाड़ी हमने वहीं पे रखी थी, मतलब तो खुद बार हम लगे घूमने, बंदे देखो क्या है 4 लाख की गाड़ी वहीं पे खत्म, अगर कहानी होती गाड़ी तो स्पीड में
ट्रेन अब स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे। वेट लोग आ गया सोपोर का स्टेशन भी, तो इसके बाद है तो वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे 10-15 मिनट, तो निकलेंगे वहाँ साथ में क्योंकि हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ी है बड़गाम में। हमें ट्रेन भी तो हम अभी बड़गाम से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, तो गाड़ी वहीं पे है। बंदे देखो कैसे है, टीटी ने टिकट भी चेक नहीं की, टीटी ने टिकट भी चेक नहीं की। तो अभी हमें कितने टाइम बस करना है, ग्रेट वन आधा घंटा, एक वन आधा घंटा, तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हमें ट्रेन में। लेकिन तब से मीटर्स का और तो हम तब से आप मतलब घूम रहे थे ऐसे, तब अभी जाके हो गए तीन स्टेशन हो गए, मतलब अब जाके हम इधर बैठ गए वरना वैसे घूम रहे थे। देखो मुझे अभी भी घूम रहा है सुपर में, तो और कैसा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए बारामूला, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बाहर से कैसा है व्यू। तो आदिल भाई देखो सनग्लास लगा के क्या है, वैसे जब फैन बिना क्या है यार। तो अब हम यहाँ से लेंगे रिटर्न ट्रेन वापस बड़गाम की ओर, तो फिर वहाँ से जब बड़गाम से आएंगे, तो कोई कॉल कर रहा है मम्मी, तो जब हम बड़गाम से आएंगे तो हम डायरेक्ट जाएंगे कंचहर, वहाँ पे फोटो शूट करेंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाएंगे। तो आदिल भाई का आउटफिट देखो यार, आउटफिट देखो। हाय गाइस कैसे हो, तो आदिल भाई और किसी को सुना इसका इंशाल्लाह टाइम से, चलो ठीक है फिलहाल लेते जाते हैं ट्रेन में, लेते हैं टिकट। हाँ बंदे देखो अब फोटो क्या उठा रहे हैं यहाँ पे। तो हम वापस पहुँच गए बड़गाम, तो अब निकलते हैं जल्द से जल्द कंचहर की ओर। आदिल भाई कितने मजे आया, बहुत मजा आया वाला करामत, कितना मजा है, बहुत मजा आया वाला, कितना मजा आया। तो ये रही हमारी गाड़ी, तो आधी कर ले निकलते हैं, मिलते हैं आपको अब डायरेक्ट स्टोन स्टीप है। ए लाइट देखो डिम हो गई भाई, वैष्णो से भी जाना था। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे एक मसला हो गया था जब हम वापस आए वहाँ से, तो डिम लाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसलिए हमने फ़ोटो शूट नहीं किया। तो अब हम फ़ोटो शूट का व्लॉग अलग बनाएंगे इंशाल्लाह।